मैं उमेश सिंह और मैं एक आर्ट प्रैक्टिशनर और रिसर्चर हूँ। वर्तमान में मैं बनारस में रह रहा हूँ और मैं यहीं पे अपना प्रैक्टिस को जारी रखा। तो बेसिकली मैं रहने वाला बिहार का हूँ, बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और भोजपुर में जो वर्तमान स्थिति है भोजपुर का, या फिर जो भोजपुर का हिस्ट्री रहा है, बोलो बहुत ही वायलेंट और तरह तरह की चीज़ें रही हैं, उन सब चीज़ों को लेकर मैं अपने काम में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। लॉकडाउन के ऊपर जो मैंने ड्राइंग किया है, तो जो कि मेरा पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस किया उन चीज़ों को, जैसे कि मैं जब ये कोरोना का जो दौर स्टार्ट हुआ, मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली आइसोलेशन में था 2 महीने के लिए, और अचानक मुझे मौका मिला घर जाने के लिए। बहुत मुश्किल से वो मौका मिला और मुझे किसी तरीके से ले जाकर बिहार बॉर्डर पे 20-30 हज़ार लोगों के बीच में छोड़ दिया गया। और जिस तरीके का मतलब प्रॉब्लम का मैं फेस किया, लोग और भी लोग मेरे साथ साथ जो कि दूसरे स्टेट से आके बिहार बॉर्डर पे रुके हुए थे और उनको घर जाने के लिए बस नहीं मिला, चीज़ों को मैं फील किया उसको, मतलब अपने ड्राइंग के थ्रू और एक एक्सप्रेस करने का कोशिश किया। ड्राइंग भी किया मैंने, कुछ पोएट्री भी लिखे उस दौर में, और उनको मैंने जो चीज़ें जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल थे, इंक और पेपर, उसके थ्रू मैंने जो स्केचेज और बड़ी मतलब उनको मैंने रफली तरीके से ही बहुत ट्रीट किया और उसको एक्सप्रेस किया। सेकंड जो मैंने फार्मर प्रोटेस्ट का जो मैंने सीरीज़ बनाया, उसमें जो कि मैंने सिंगू बॉर्डर पे मैं खुद गया अपने एक दोस्त के साथ, और वहाँ पे मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व किया। मैं लोगों के बीच जाके मैं रहा और देखा, उनके लंगर में मैं साथ में खाना खिलाया और देखा किस तरीके का मतलब उनके अंदर जुनून था और जोश था, और इसके साथ साथ वो लोग कोई गुस्से में नहीं थे, उनके अंदर बहुत प्यार भी था। और वो लोग बाहर से आने वाले या दूसरे स्टेट के बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाते थे उनके लंगर में, तो इस तरीके का मतलब भावना था। उनके जो औरतें उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, उनके अंदर गजब का डेडिकेशन था। वो दिन रात मिल के सबके साथ मतलब प्रोटेस्ट में भाग लेती थी, शाम को अपना या खाना बनाने में जुट जाती थी, दिन में स्टेज पे जाके वो प्रोटेस्ट को कंडक्ट करती थी, खुद उनके द्वारा प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया जाता था। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस थे मैंने सबको वहाँ पे फील किया और उसको अपने ड्राइंग में मतलब दिखाने का कोशिश किया। मैंने दिखाया कि किस तरीके से एक बूढ़ी औरत है जो कि एक झंडा लेके खड़ी है, और उसके पीछे एक बहुत सारे गेहूं के बाल है, महुआ के फूल है, और थ्रेसर है, कोई एक किसान लेटा हुआ है, और उस सारे का जिम्मेवारी खुद अपने कंधे पर उठाई हुई है कि हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और हम बचाएंगे अपने इन चीज़ों को बर्बाद नहीं होना चाहते थे। तो उनको फार्मिंग का जो ये फार्म बिल था उसको लेकर बहुत डर था कि इसके बाद से हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी, हम लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत वो चिंतित थे और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे बिल्कुल कि ये बिल वापस होके ही रहेगा, और इसके लिए वो पूरी तरीके से रेडी थे और हर किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार थे। बहुत सारे इमेजेस में मैंने फार्मर को डिपिक्ट किया है जो कि झंडे लेके खड़े हैं, या फिर बहुत सारे लैंड को मैंने बनाया है, लैंड दिखाया है।